झारखंड सरकार के वित्त मंत्री सह लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शहरी क्षेत्र के न्यू टाउन हॉल में ग्रामीणों से मुलाकात की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच मांदर और नगाड़ा का वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युग में हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की जरूरत है। झारखंड में आदिवासी मूलवासी की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यह उनकी पहल है जिसे पूरे झारखंड में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री और मंत्री से बात कर पूरे झारखंड में मांदर और नगाड़ा का वितरण कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमें आदिवासियों के जीवन शैली, समाज संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखने की आवश्यकता है। मांदर झारखंड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह हमारे संस्कृति सभ्यता की पहचान है और हम लोग झारखंड के गांव-गांव में अखड़ा भी बनवाएंगे। झारखंड की संस्कृति, खास करके आदिवासी मूल वासियों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पहल शुरू किए हम लोहरदगा में। अब इसको अब फैलाया जाएगा पूरे झारखंड में। कल ही मैं मुख्यमंत्री जी से और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई बाबू से और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हफीजुल जी से बात किया। हम लोग गांव-गांव अखड़ा बनाएंगे। अखड़ा सांस्कृतिक केंद्र है आदिवासियों का, सामाजिक केंद्र है आदिवासियों का। कोई भी आदिवासी का 32 के 32 में भी सब जगह अखड़ा का अखड़ा बनवाएंगे। साथ साथ उनका जो वाद्य यंत्र होता है, ये मांदर हुआ, नगाड़ा हुआ, ये सब का अलग अलग साइज होता है आदिवासी के अनुसार। पूरा लोगों का लंबा होता है मांदर, उसी तरह से और लोगों का छोटा होता है, थोड़ा नगाड़ा भी छोटा होता है। जैसे कि कल बता रहे थे कि संथाली लोगों का नगाड़ा छोटा होता है और लोग बड़का बड़का नगाड़ा, मुंडा लोग बड़का और बड़ा बड़ा नगाड़ा बजाते हैं। तो नगाड़ा और मांदर पूरे झारखंड में बटेगा, अखड़ा बनेंगे और मांदर और नगाड़ा बटेंगे। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।